तो हेलो भाई, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तुम्हारे हाल बढ़िया चल रहे होंगे। जो हमारा रिसेंटली वीडियो लॉन्च हुआ है उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लेकिन लो दो चार लोगों ने देखा टाइम रहते हुए, तो अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोगों ने देखा लेकिन मुझे खुशी हुई उसे देख के। तो अगर आपने हमारा जो भी नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए ये बात, जो पहले देख चुके हैं वो उनके लिए मैं कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप हमारे चैनल के पक्के सब्सक्राइबर बनने के लिए एक पड़ाव पार कर चुके हैं, और जिनने नहीं करा है तो भाई जो भी नया आया भटकते हुए धक्के खाते हुए यूट्यूब पे इधर उधर भटकते हुए आ गया है यहाँ पे, वो कृपया करके अगर चाहे तो हमारी रिसेंटली जो वीडियो है उसे जाके वॉच कर सकता है, क्योंकि हमारा चैनल ऑलरेडी घसड़ घसड़ के चल रहा है। तो एक तो थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे हमारे, थोड़ा भला हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ किसी को कभी बुरे नहीं लगते हैं। हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए ऑब्वियसली हमें व्यूज़ से ही काम चल रहा है, हमारा व्यूज़ ही काम बढ़ाएगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक भाई, एज यू नो तुम जानते हो, रिसेंटली फार क्राई 5 जो है यूबीसॉफ्ट ने फ्री कर दिया है एपिक पे, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट पे, याद आ गया मुझे, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट और एपिक पे गेम फ्री हो चुकी है फार क्राई 5। तो इसे तुम्हें कैसे तुम जीफोर्स नाउ में खेल सकते हो क्या? और फार क्राई 5 परमानेंटली फ्री नहीं हुई है, तुम इसे खेल सकते हो सिर्फ 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। 10 तारीख में सुबह के 1 बजे तक खेल सकते हो, और 5 तारीख को 6:30 बजे के बाद खेल सकते हो तुम उसे आराम से। मैंने खेली अप्रोक्सीमेट, मैं डेली तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारे पास एक ठीक सा इंटरनेट जुगाड़ कर सकते हो ना, तो भाई मस्ट है, खेल लो। क्योंकि कोई पैसा नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, सॉफ्टवेयर भी मैं बता रहा हूँ, जुगाड़ भी मैं बता रहा हूँ, खेलना कैसे ये भी मैं बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? कहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें। अब बस ये चीज़ समझने वाली बात है तुम्हें कि तुम खेल सकते कि नहीं। वेल, अगर तुमने इससे पहले कोई हाई एंड ग्राफिक्स का गेम नहीं खेला बहुत ज़्यादा, तो इसे ज़रूर खेलना। और ग्राफिक्स की तो बात ही क्या कहनी, काफ़ी हैवी बढ़िया ग्राफिक्स है मतलब गेम के। और स्टोरी लाइन मुझे जितनी मैंने देखी भाई, मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। मैं ट्राई करूँगा ये 3-4 दिन जितने दिन भी फ्री है इसे रेगुलर खेलूँ, और इस गेम को कम से कम ख़त्म कर दूँ मैं, इसका एक चैप्टर, एक स्टोरी लाइन जो पैरा है इसका, वो ख़त्म करूँ, ताकि जो फार क्राई 6 जब आए तो हम उसे, अगर हमारे पास अच्छा हार्डवेयर हुआ तो हम उसे परचेज़ करें और फिर आपके लिए इसे लेके आए। तो अब हम आज के प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं, समय हमने बर्बाद कर चुका है, 2 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो आपको क्या करना है, अपने सड़े से कंप्यूटर पर आ जाना है। कंप्यूटर पर आ जाने के बाद क्या करना है, अपना माइक्रोसॉफ्ट एज खोलना है, और एज खोलने का थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि हमारे वाला की हार्ड डिस्क और पुराना सस्ता 2012-13 वाला सिस्टम है कंप्यूटर वाला, तो वो लैग करेगा, उससे बचने के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जब तुम्हारा ये काम सब सक्सेसफुली हो जाए, तो तुम्हें सिंपल सा जाना है यूबीसॉफ्ट कनेक्ट पे, और यूबीसॉफ्ट कनेक्ट पे जाने के बाद आपको साइट खोलना है, और सबसे पहले वहाँ पे दिख जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में कि लेफ्ट साइड में एक इवेंट चल रहा है, और उस इवेंट पे जाना है, और उस इवेंट पे जाके आपको अपना क्लेम कर लेना है गेम को, और वो वहाँ से गेम आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, और उस लाइब्रेरी में ऐड होने के बाद और सेम फिर आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने पीसी में, अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर पहले से अवेलेबल है। और अगर नहीं तो मेरे पास, मैं जुगाड़ बताता हूँ कैसे काम करेगा आगे का, कैसे हिसाब काम करना है आगे का, तो ज़रा समझना और अपना दिमाग लगाना। तुमने गेम क्लेम कर लिया, और जो एपिक वाले बंदे हैं उन्हें बता दूँ भाई, अगर तुम्हारे पास अपना पीसी है, खुद का मतलब हार्डवेयर है भले अवेलेबल तुम्हारे पास, तुम उसे खेलना चाहते हो, अवेलेबल है तुम्हारे पास हार्डवेयर, तो भाई तुम एक काम करना, तुम एपिक वाली भी क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एपिक को जो फ्री आएगी वो भी तुम उतने ही टाइम के लिए आएगी। लेकिन जिन लोगों को जीफोर्स नाउ पर खेलनी है वो प्लीज़ मेरी बात सुनना, अगर कोई एरर या कोई परेशानी नहीं चाहते, दिक्कत खड़ी हो तुम्हारे गेम खेलने में, तो यूबीसॉफ्ट कनेक्ट से ही क्लेम करना, ठीक है? एपिक पे मत जाना, क्योंकि एपिक पे लिखा हुआ है डेमो, पता नहीं क्या बग है, ग्लिच है, वो वहाँ पे डेमो लिखा हुआ आ रहा है, और वो डेमो की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है जीफोर्स नाउ से, लेकिन यूबीसॉफ्ट कनेक्ट है जो वो कनेक्ट हो रहा है, सो उससे गेम प्ले कर पा रहे हैं हम आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जब तक खेल पा रहे हैं तो खेल पा रहे हैं, मज़े लो, क्या दिक्कत है, है नहीं? तो आपको अपना सड़े से पीसी में अपना पहले वीपीएन कनेक्ट करना है, फिर आपको अपना जीफोर्स नाउ खोलना है, और इंतजार करना है वीपीएन कनेक्ट होने तक का, और वीपीएन कनेक्ट होने का जीफोर्स नाउ खोलो। जीफोर्स नाउ खोलने का सिंपल सा भाई, तुम्हें अपनी सेटिंग वेटिंग प्रिपेयर कर लेनी है, किस सेटिंग पे, अपने इंटरनेट के हिसाब से सेटिंग कस्टमाइज़ कर लेनी है कि किस सेटिंग में तुम्हें खेलना है, और सेटिंग तुम्हारी डन हो जाने के बाद भाई तुम्हें सिंपल से ऊपर के सर्च बार में क्लिक करना है, सर्च बार में क्लिक करना है, सर्च करना है फार क्राई 5, और फार क्राई लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, जो फार क्राई आ जाएगा उसमें तुम्हें क्लिक करना है, और वो पूछेगा तुम्हें किस
के थ्रू प्ले करना है, कौन सी लाइब्रेरी कनेक्ट करनी है, तो तुम्हें वहाँ पे यूबीसॉफ्ट कनेक्ट लिखना है, ठीक है। अब तुमने जो सेम आईडी यूबीसॉफ्ट में रजिस्टर करते हुए बनाई होगी, उस सेम आईडी से उसे वहाँ पे तुम्हें लॉगिन मार लेना है, और तो लॉगिन होने का प्रोसेस देख लेना है, और लॉगिन करने के बाद तुम्हारा गेम इजीली रन हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है भाई, जितना खेलना चाहो खेल लो, क्योंकि फ्री अप कर दिया है। क्यों? क्योंकि फार क्राई 6 आने वाली है, फार क्राई 6 के चलते चलते थोड़ा सा गेम को हाइप किया जा रहा है, हाइप क्रिएट करने चाह रहे हैं फार क्राई सीरीज की यूबीसॉफ्ट वाले। वेल, मैं जैसा तक मैंने इंट्रो या ट्रेलर दिखा है फार क्राई 6 का, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है उसमें, जितना मुझे स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया लगी है, और कई हिंदी वर्ड्स भी सुने थे मैंने ट्रेलर में, तो उनमें काफ़ी मज़ा आएगा जैसे गेम। और मैं सुना हूँ फार क्राई 5 में भी कई हिंदी बोली का यानी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कई, तो वो देखता हूँ कहाँ सुनने को मिलता है मुझे, इसमें क्या है कि फार क्राई 4 में क्या है मुझे वो नहीं पता। अब बाकी तुम्हें अगर बैकग्राउंड में मेरे न्यूज़ बाकी अगर तुम्हें मेरे बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ आती हुई दिख जाए तो भाई इग्नोर मानना, क्योंकि सिर्फ मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत लंबे अरसे से, कुछ नहीं लगाया मैंने अलग से, इनफैक्ट हेडफोन भी नहीं कि प्रॉपर तरीके से लगाया जा सके, वो भी रिसेंटली टूट गया है, तो इग्नोर मारना जो बैकग्राउंड की नॉइज़ से। बाकी ट्राई करूँगा जितना हो सके कट कर दूँ मैं। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो बताना भाई, बाकी हमारा पुराना रिसेंट वीडियो वॉच कर सकते तो कर लो, और तुम्हारे अगर कुछ डाउट रह जाए यहाँ पे किंतु पूरे नहीं हो पाए तो देख लेना भाई, तुम्हारे डाउट हम पूरे कर देंगे, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, हम हमेशा बैठे हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये गेम प्ले इंजॉय कीजिए, खास वॉइस के साथ मैंने ऐड किया है, रिकॉर्ड किया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू। Fine here. No need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. No one is coming to save you. Father! Hurry up! God has kept you one of these shadowing screens. Everything is unfolding according to God's plan. I'm still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. And we will take what we need. We will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. These harbingers of doom will see the truth. Come on, get out of here. Come on. Let go. Get the
God's will. It's the punishment.